हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मार्वलस मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री वन होती है, मतलब कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री वन है मतलब वो इक्वेशन लीनियर है। अगर डिग्री टू है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, डिग्री टू है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर डिग्री थ्री है तो उसको बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, और डिग्री फोर है तो उसे बोला जाएगा बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन यानी क्या, अब इक्वेशन ये जो अगर हमने शब्द सुन लिया तो इक्वेशन शब्द मतलब जिसमें इज इक्वल टू हो और जिसमें दो साइड्स हो, एक हो LHS और दूसरा हो RHS, ठीक है। अगर मैंने कुछ ले लिया x इज इक्वल टू थ्री, इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू थ्री, ये भी इक्वेशन होगी। अगर मैंने दो वेरिएबल लिए, एक ले लिया मैंने x और दूसरे ले लिया मैंने y, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया मेरी इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लिया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ये भी मेरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर मेरी कोई इक्वेशन की डिग्री टू है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अगर इसमें कोई मेरी कोई भी इक्वेशन है तो इसमें जो एक्स और वाई है इनकी डिग्री क्या है, इस एक्स की डिग्री वन, ये वाई की डिग्री वन और इस एक्स की डिग्री टू है, मतलब ये इक्वेशन की जो पूरी डिग्री है वो टू है, और टू डिग्री वाले को हमको हम बोला जाता है, हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी इक्वेशन जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या आ रही है यहाँ पे थ्री, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो हमें 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ दो इक्वेशन पढ़ना है, क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर जिसकी डिग्री हो वन, इक्वेशन जिसमें हो इज इक्वल टू, टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल, ठीक है। और ये पूरे लेसन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमको करना क्या है, हमको सिर्फ दो ही काम करना है, एक तो x की वैल्यू निकालना, दूसरी y की वैल्यू निकालना, बस। अब ये x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है। पहला तो हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व, एक है एलिमिनेशन मेथड आती है उसमें, और दूसरी है, हाँ ठीक है, और यहाँ पे दूसरी आएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद दूसरे हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड, और तीसरी मेथड हमारे पास आती है क्रैमर्स रूल। क्रैमर नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका नाम रख दिया हम लोगों ने क्रैमर्स। थर्ड मेथड हम लोग शुरू करेंगे क्रैमर्स। तो चलो शुरू करते हैं आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया है मैंने, अब आप लोगों को बताना है कि ये इक्वेशंस जो है हमारे पास ये लीनियर है कि नहीं है। ये इसकी डिग्री क्या है, 4m + 3n = 12, इसकी डिग्री है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो ये भी लीनियर है, यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है, हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा क्या, नहीं बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 अपॉन x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का मीनिंग होता है x टू द पावर माइनस 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो 4 x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5 x टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन में आपको डिग्री क्या होना 1, लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस 1, देयरफॉर इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, पहला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को 5x + 3y, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है हम लोगों को, हमारा पहला ही टारगेट है, हमारा एम क्या है, x और y को निकालना, हम लोगों को घूम फिर के अलजेब्रा में क्या आ जाना है, x और y को ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं, देखो आप दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो, इसमें प्लस 3y है यहाँ पे माइनस 3y, तो दोनों इक्वेशन हम लोग प्लस कर देंगे, तो लिखना है यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, मिलाना है, मिलाओ,
2 5x plus 3y is equal to 9 plus 2x minus 3y is equal to 12. ठीक है, ये प्लस 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल. 5x plus 2x 7x is equal to 12 plus 9 21. Therefore x is equal to 21 upon 7. Therefore x is equal to 3. मतलब x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पुट करते हैं, तो पुटिंग x is equal to 3 in equation 1 में पुट कर देता हूं. आप लोगों को जहां करना है वहां कर सकते हो. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5x की वैल्यू आएगी 3 plus 3y is equal to 9. 5 3 जा 15 plus 3y is equal to 9. अब देखो 15 किस में है, प्लस में अपने को खोला है 3y, तो 3y को जैसे का वैसा रखेंगे, 15 को भेज देंगे वो साइड में. ठीक है, तो 9 माइनस 15, 9 में से 15 गए. अभी प्लस माइनस वालों को, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज होता है, 9 में से 15 जाते हैं कि नहीं जाते. हमको क्या करना है, 9 प्लस कोई साइड नहीं, मतलब कौन सा साइड है, प्लस का साइड है. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. तो जो होता है वो करना, मतलब जो होता है वो अपन करेंगे, मतलब माइनस होता है तो माइनस करेंगे. 15 में से 9 गए, 15 से 9 गए 6 बचते हैं. ठीक है, और बड़े नंबर का साइन देना, बड़ा नंबर बने 15 15 का साइन है माइनस, तो आ जाएगा माइनस 6. तो y is equal to क्या जाएगा, माइनस 6 बाय 3. देयरफॉर अपन बोल सकते हैं y is equal to माइनस 2. ठीक है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x is equal to 3 एंड y is equal to माइनस 2. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखे रखा है. यहाँ पे 3a plus 5ub is equal to 26 और उसके बाद देखे रखा है a plus 5ub is equal to 22. ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, ये वाला इक्वेशन जैसे का वैसा यहाँ पे लिखना. इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को एक के नीचे लिखेगा, 5a plus 3a plus 5ub is equal to 26. नेक्स्ट देखे रखा है यहाँ पे a plus 5ub is equal to 22. क्या देख रहा है, सेम. अब देखो यहाँ पे 5p 5p है, तो 5p 5p अपने को कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो क्या करना, माइनस कर देना. दोनों का क्या कर देना, माइनस. माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, और प्लस का हो जाएगा माइनस. ये प्लस का कर देना माइनस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, और ये प्लस का कर देंगे हम माइनस. ठीक है, अब ये प्लस 5p माइनस 5p कैंसिल. 3a में से ये गया 2a, 26 में से 22 गए 4, a is equal to 4 by 2, therefore अपन बोल सकते हैं a is equal to 2, तो a की वैल्यू मिल गई अपने को 2. तो यहाँ पे लिख लेना, subtracting equation 1 and 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 मिल गई अपने को. अब यही a की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, b की वैल्यू मिल जाएगी. सेम पुटिंग कर देना, पुटिंग a is equal to 2 in equation, इसके पहले हमने करे थे 1 में, अब कर देते हैं अपन 2 में. ठीक है, देखो therefore a equation लिखो यहाँ पे, a plus 5b is equal to 22. a की वैल्यू यहाँ पे रखो, a की वैल्यू है 2 जैसे का वैसा, 5b जैसे का वैसा, 22 जैसे का वैसा. निकालना है 5b, जो निकालना है उसको जैसे का वैसा रखने का, और जो नहीं निकालना है, जो नहीं काम का है. अब देखो जिंदगी में वैसे रहते जो लोग अपने अभार जिंदगी में काम में नहीं आते, उन लोगों को जिंदगी के बाहर निकाल लेते, तो 2 को भी 5b के साथ से निकाल लेना. 2 है प्लस में, उसको कर देना माइनस में. ठीक है, तो 5b 22 से 2 गए, बच गए, बच जाते हमारे पास 20. ठीक है, अब 5b is equal to क्या है, 20 है, और ये जो 5 और b है, इन लोगों के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई मतलब पति पत्नी का रिलेशन, ना टूटने वाला. तो ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है 5b, तो 5b अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन उतर जाएगा, तो किसमें जाएगा, डिवीजन में. अपने को निकालना है b, b को रख दिए, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई. फाइव किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा. तो 20 अपॉन 5, देयरफॉर हम बोल सकते हैं b इज इक्वल टू 5 फोर जा 20. देयरफॉर अपन बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू क्या है, x की तरफ, सॉरी a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4.
ये भी हमारे इक्वेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है 5x plus 2y is equal to minus 3 और उसके बाद देके रखा है x plus 5y is equal to 4। कुछ नहीं कर रहा इसको, पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे रहा है, दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे रहा है। अब इसके के पहले जो दो एग्जांपल थे उसको हम उसमें हम लोगों को वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट था वो एक वेरिएबल के साथ उसके जो कोएफिशिएंट थे वो सेम थे, इसलिए पहले हम अपना प्लस कर दिया दूसरे माइनस कर दिया तो वो कैंसिल हो गया और अपना आंसर आ गया। लेकिन ये इक्वेशन में ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन थोड़े से मुझे इक्वेशन होते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। अलग तरीका कौन सा अपने पास, देखो अब इसमें अपने को दिख रहा है कि 5 के साथ x है, x के साथ 5 है, ठीक है, ये x के साथ कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है। अब 1 को अगर मेरे को 5 बना लूं मैं क्या कर लूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये पूरे के पूरे मुझे इक्वेशन 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5 एक्स प्लस 5 2 जा 5 5 जा 25 y और 4 5 जो होता है 20, मतलब हमने क्या करें मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाइंग करें अपन ने इक्वेशन 2 को कर दिए 1 ने 5 से और इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, सॉरी माइनस कर सब्सट्रैक्ट कर देना, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे माइनस 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो कुछ भी नहीं प्लस मतलब उसका हो जाएगा माइनस, 5x में से 5x में से 5x का 0 बचेगा। हाँ अब देखो ये है 2y माइनस 25y, 2 में से 25 को निकालना, नहीं निकाल सकते तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो जो होता है वो कर रहा, 25 में से तो होगा 23 और बड़े नंबर का साइन होता है माइनस, तो ये लेगा माइनस 23। अब ये सेम माइनस 3 माइनस 20 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 20 प्लस 3 करना है अपने को और साइन दे देना है बड़े नंबर का, तो ये बस सेम साइन हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 23 और ये y ये माइनस ये माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 1 = 25y = 20 = 23 = 1 = 23 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
तो इस तरह अपने को एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। अगर इन दोनों को सेम करना है तो इसको 99 से मल्टीप्लाई करने का, इसको 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर अपने को y को सेम करना है तो, ठीक है ना। अगर देखो x के साथ x के पास अगर 2 है और y के पास अगर 3 है और x और y को हम लोगों को सेम करना है तो दोनों को अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6y, ठीक है ना। अब इसको भी अपने को ऐसे करना पड़ेगा लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए एक दूसरी मेथड इसको सॉल्व करने के, ऐसे अगर इक्वेशन आ जाए है तो इसको सॉल्व करने के अपन एक दूसरे मेथड करना है, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, मतलब दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना। तो देखिए पहला करेंगे अपन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सबसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 99x प्लस 101y is equal to 499, क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, देना जरूरी 101x plus 99y is equal to 501, क्या हो जाएगा 101 में 99 मिला देंगे 200, 200x plus 200y
और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 200। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 10, दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब एक बार प्लस करें, अब एक बार इसको कर लेंगे अपन माइनस। नाउ नाउ क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सेम इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस आया तो थोड़ा सा सतर्क हो जाने का, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 501। दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 99x में से दो 101 क्या है, मतलब 101 में से 99 गया दो, बच्चा बड़े नंबर का साइन है माइनस, 101 में 99 गया दो, बड़े नंबर का साइन है प्लस, 499 501 गया दो, बड़े नंबर का साइन है माइनस। डिवाइडिंग बाय माइनस 2 से डिवाइड कर देना यहां पे। ठीक है, ये 2 से करो तो भी चलता है, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय 2 तो क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 4। अब दो इक्वेशन मिल गए अपने को, अब ये दोनों इक्वेशन पे एक और बार प्लस करो, अगेन 4 3 + 4 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू है अपने पास 5, और क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा कैंसल, 2y इज इक्वल टू 4, 5 में से एक गया 4, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आंसर 2। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया, x की वैल्यू मिल गई अपने को, x की वैल्यू मिल गई अपने को 5, और 2 की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आया है, और आपको ये वीडियो समझ गया है तो आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अभी नया है और मेरा और ये पहला ही वीडियो है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम ये वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।